फरहान गाजी भाई आ गए, जरा इनका डिस्कशन इनकम्प्लीट था एडम आपके साथ। यार मेरे लास्ट स्टेटमेंट बताएं कहाँ ये गए थे, मुझे याद नहीं है। सॉरी भाई, मेरा फोन ऑफ हो गया था। हाँ नहीं, ये बात हुई थी कि आपने तीन दौर बताए, एक हाँ, तो आपने तीनों दौर हाँ सुन लिए थे फरहान साहब के? नहीं जी सुने जी थे। सुन लिया था मैं। जी जनाब, तो बेसिकली ये तीन दौर हैं और मोहम्मद साहब ने, आप मुझे कह रहे थे शायद कि वो सिर्फ एक ही बंदा है जिसको मोहम्मद साहब ने कत्ल का कहा था और किसी जी को नहीं कहा जी था। अगर मैं आपको ये दिखाऊं कि मोहम्मद साहब ने बच्चियां भी मरवाई उस टाइम पे, तो क्या करेंगे? सर, देखिए मैं जहां तक पढ़ा, मेरे को एक का मालूम, आपको एक का मालूम ना, आप यही तो बता दीजिए ना, प्रॉब्लम है। तो बता दीजिए, मैं भी देख लेता हूँ, मेरे को भी इल्म आ जाता। हम ऐसे तो नहीं है सर, इल्म से भागने वाले तो लोग नहीं है ना। यार ये आपकी अपनी तस्वीर है? सर जी मेरी है। आप तो बहुत छोटे लग रहे हैं, क्या उम्र है आपकी? नहीं, अब वो बहुत पहले की सर, 5 साल पुरानी है। ओके, ये स्क्रीन आपके पास आ गई? ठीक है, ये मैं आपको दिखाने लगा हूँ, पढ़वाने जी लगा सर हूँ। ये सेक्शन नंबर 819 है जी। किसका सर? सर सीरतुन्नबी का। ठीक है, दी सीरतुन नबी अपोसल। में झूठे भी है चीजा, सर आप हदीस से निकाल दीजिए। आपका काम है ये ढूंढना। आपको इब्ने नहीं ये देखिए साद सर बिन अभी, यार एक सेकंड रुक जाए, ये जी जो साद बिन अभी सरा का वाकया है, ठीक है, वो मुझे हदीसा से दिखा दीजिएगा आप भी। अब मैं यहां से पढ़ने लगा हूँ, जरा सुन लीजिए। सबसे मोहम्मद साहब ने कहा था कि जब इंस्ट्रक्ट किया और वो मक्का के अंदर दाखिल हुए, ठीक है, तो एक्सेप्ट अ स्मॉल नंबर हु वर टू बी किल्ड इवन इफ दे आर फाउंड बीनीथ द कर्टन ऑफ काबा, अगर वो काबे के पर्दे के पीछे पीछे छुपे हुए हैं तो उनको मार देना। उनमें जी से सबसे पहले तो साद बिन अबी सरा हैं, क्योंकि जी उन्होंने मोहम्मद साहब को कहा था कि जी मोहम्मद साहब तुम झूठे हो, जी ठीक है, और ये पहले अपोस्टेट थे, जी इस्लाम के पहले मुर्तिद साद बिन अबी सरा थे। दूसरे अब्दुल्ला साहब थे, जिनके साथ उन्होंने कहा कि इनकी जो दो बेटियां हैं जो कि सिंग करती हैं, जिनका नाम है फितराना और उसकी दूसरी सिंगिंग गर्ल, उनने कहा इन दोनों को भी ही ऑर्डर दैट दे शुड बी किल्ड। क्यों? क्योंकि वो मोहम्मद साहब के अगेंस्ट गाने बोलती होती थी। अच्छा ठीक है, उसके बाद तीसरे आपके मिकियास बिन हुबेबा हैं, ठीक है, क्योंकि उसने एक बंदे को किल किया था। फिर तीसरी आपकी एक और है सारा, जिन्होंने मोहम्मद साहब को इंसल्ट किया था। ठीक है, और फिर आपके पास मुख्तलिफ अदर लोग हैं, तो बेसिकली आप इसमें पढ़ सकते हैं बाकी के बाकी। लेकिन क्या ये बात आप की बाकी तमाम दुनिया मानती है कि नहीं मानती है, जी हम उसको देख लेते हैं। अब जी कल रात को जो मैंने स्ट्रीम की थी, उसके अंदर मैंने ये कुछ आर्टिकल्स दिखाए थे इस्लाम Q&A से। ठीक है, इज इट एसेंशियल टू रिस्पोंड टू दोज हु डिफेम द प्रॉफिट? क्या रिस्पॉन्स है ये देखिएगा। डिफेमिंग द प्रॉफिट मीन्स ब्लास्फेमी अगेंस्ट मोहम्मद इज अ कुफर। जी इफ इट इज डन बाय अ मुस्लिम देन ही इज अपोस्टेट ऑन हिज पार्ट। अगर ये किसी मुसलमान ने किया है तो वो मुर्तिद हो चुका है। जी एंड द अथॉरिटीज हैव टू डिफेंड द कॉज ऑफ अल्लाह एंड हिज मैसेंजर जी बाय एग्जीक्यूटिंग द वन हु डिफेम्स हिम। तो अब मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान का 295C कैसे शरण सही ना हुआ? ये शरह है, मोहम्मद साहब ने खुद एग्जीक्यूट करवाया, मोहम्मद साहब ने मुंह से कह के फिर मोहम्मद साहब ने एक हदीस के अंदर कहा था कि काब बिन अल अशरफ को कौन जाके कत्ल करेगा, क्योंकि उसने मुझे बहुत ही जुबान से ठेस पहुंचाई है असल में। ठीक है, उसको मोहम्मद साहब ने कत्ल करवाया। फिर एक स्लेव गर्ल थी जिसको, जो कि प्रेग्नेंट थी, जिसके मालिक ने उसको उसके पेट में छुरा रख के बच्चे को भी उसके पेट में और उसको भी कत्ल कर दिया, और मोहम्मद साहब ने कहा कि इस शख्स से कोई धैया नहीं लिया जाएगा। ये सही ठीक है, हदीस में सही हदीस है, सारी सही है। अच्छा, अगर कोई नॉन मुस्लिम करता है ऐसा और वो नॉन मुस्लिम ट्रीटी में है मुस्लिम स्टेट से, देन उस नॉन मुस्लिम ने ट्रीटी को वाइड कर दिया और इस बंदे को एग्जीक्यूट कर देना चाहिए, कत्ल कर देना चाहिए। सो 295C किस हिसाब से इस्लामिक नहीं है? देखिए सर, अब इसमें ये लॉ के हिसाब से जैसा कोई अपनी जाती दुश्मनी भी निकाल रहा,
उसको हम मैं नहीं, उस अगर उसको मुझे सर उसकी जी रुको परवाह ही नहीं, मैं लॉ की बात कर मैं रहा हूँ। मैं एक बात बताता हूँ आपको। देखिए नहीं, जाति दुश्मनी को लॉ में जी मत लाए, मैं लॉ जी की बात जी कर रहा लॉ हूँ की बात, सर। हाँ 2 मिनट। लॉ अगर की बात। ये जैसा हुजूर शासन की जात पर ठहर के अगर कोई गालियां बकरा, तो सर ये तो फिर नाकाबिले कबूल है सर। ये इसकी इसमें तो फिर अब चाहे किसी को भी उठा ले या हमारा खुद का सर बाप ले ले। गालियां, एक सेकेंड सर प्लीज, गालियां बकने पे 295 सी नहीं है, नहीं सर मैं हर्ट के आपको बता ऊपर रहा हूँ है। जी, हर्ट गालियां बकने पे नहीं है। मैंने अगर कह दिया है कि मोहम्मद साहब जो हैं जी वो प्रॉफिट नहीं है, जी तो मेरे ऊपर कम से कम 3 साल की कैद है। हाँ ये अगर झूठे मैंने नबी है। कह दिया है कि वो झूठे नबी हैं, तो कम से कम 3 साल की कैद है। ये नहीं इंसल्टिंग ऑफ द प्रॉफिट है, जी सर इंसल्ट जी इंसल्ट किया गया है प्रॉफिट को। नंबर टू, अगर मैं मोहम्मद साहब को कहता हूं कि वो पीडोफाइल है, तो फिर तो मेरे ऊपर 295 सी लग गया। हालांकि मैंने कहा वही है जो किताबु सित्ता के अंदर लिखा हुआ है कि मोहम्मद साहब ने 9 साल की उम्र में हजरत आयशा के साथ इंटरकोर्स किया। मैंने कोई अपने पास लफ्ज नहीं कहा, ये एज इट इज किताबु सित्ता के अंदर सही हदीसों के अंदर लिखा हुआ है। लेकिन मैं अगर कह दूं कि कम उम्र बच्ची के साथ इंटरकोर्स करने को हम पीडोफिलिया कहते हैं, तो मोहम्मद साहब उस हिसाब से पीडोफाइल हुए। अब मेरे ऊपर 295 सी लग गया अब और देखिए सर मुझे कत्ल कर देना चाहिए, एग्जीक्यूट कर देना चाहिए। जी तो ये जनाब, ये कहा जा रहा है इन जगह के ऊपर गालियां नहीं है। अभी मैंने जिस तरह आपने वहां पे आके मुझे गाली दी थी, जिसका आपने माफी मांग ली है, मैं एग्जाम्पल देने लगा हूं, अभी मैंने इस तरह की कोई गाली नहीं निकाली मोहम्मद साहब को, ठीक है, फिर भी 295 सी लग गया। अब मैं आपको और एक हदीस बताता हूँ सर। हुजूर सासम की एक बेटी थे, मैं नाम भूल गया उनका, उनको एक आदमी ने कत्ल कर दिया था, शहीद कर दिया था घोड़े पर जब वो जा रही थी, और उन वो प्रेग्नेंट भी थी। तब हुजूर सा वो भाग गया था, कहीं दूसरे शहर में चले गया था, फिर अपने मुंह पे कपड़ा डालकर वापिस आया हुजूर सासम के पास। हुजूर सासम को बोला कि ए मोहम्मद, तुम्हारा बड़ा से बड़ा दुश्मन भी अगर हो तो क्या माफ कर देंगे? बोल तो हुजूर सासम बोले, मुंह से कपड़ा हटा ले, तू कलमा पढ़ ले, मैं तेको भी माफ कर देता हूँ। बेटियां भूली नहीं जाती, तू तेरे मुंह से कपड़ा हटा, कलमा पढ़ ले, मैं तेको भी माफ कर देता हूँ। बोले सर मैंने तो कलमा नहीं ना पढ़ा, जी मोहम्मद साहब तो कलमा पढ़ा के माफ कर रहे थे ना, मैंने तो नहीं ना पढ़ा। जी बेसिकली डिफेमिंग ऑफ द प्रॉफिट के ऊपर, उन्होंने प्रॉफिट को डिफेम तो नहीं ना किया, सर देखिए अब ये बच्चियां मारी है ना सर। देखें जी प्लीज, आप इस वक्त 295 सी को जस्टिफाई कर रहे हैं, दूसरी साइड पे ना जाए। मैं हदीसों पे हदीसें यहाँ पे सिखाना शुरू कर देता हूँ। मैंने आपको 3 बोल दी है, मैं आपको मल्टीपल दिखा सकता हूँ। जी काब बिन अल अशरफ सही हदीसों के अंदर कत्ल किए गए, नहीं किए गए। आपके जी पास ये इस्लाम क्यूएनए का आर्टिकल है, ये झूठ बोल रहा है। ये हजरत शेख मोहम्मद साले अल मुनज्जिद जो जनरल सुपरवाइजर है इसके, वो झूठे हैं। ये दिखा रहे हैं कुरान सूरह अनाम 6:108 के हिसाब से भी दिखा रहे हैं कि कुरान के हिसाब से भी, एन इंसल्ट नॉट दोज हु डिसबिलीव एंड वगैरह वगैरह, ये सारा दिखा रहे हैं। जी मैं अपने पास से कुछ नहीं बोल रहा, और पाकिस्तान में जो ला बने हुए हैं ये अपने पास से नहीं बने हुए, ये ला जी वो बने हुए हैं जो कि जी कुरान और सुन्ना के अंदर हैं। और जी मैंने अभी आपको बताया कि अभी ये तो मेरे जेहन में बिल्कुल रीसेंट है, क्योंकि जी मैंने कल रात को भी, कल 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 यानी आप इस वक्त की सुबह को, मैंने इसके ऊपर एक्सप्लिसिटली स्ट्रीम की थी वेस्टर्न वर्ल्ड के लिए कि पाकिस्तान में ये लॉ कौन कौन से हैं, क्यों हैं, किस तरीके से हैं, और इस्लामिकली जस्टिफाइएबल लॉज हैं ये सारे के सारे। तो कुछ इसके अंदर गलत नहीं है। अपोस्टेट्स को एग्जीक्यूट करने का लॉ वो भी एज इट इज है, हर कोई मानता है, कुरान और हदीस के अंदर है। आपने चैप्टर नंबर 5 की आयत नंबर 33 पढ़ी है? चैप्टर नंबर 5 की आयत नंबर 33 पढ़ी है? याद नहीं है सर मेरे को ऐसे। ओके, मैं ये दिखा देता हूँ। जी ये बिल्कुल कहते हैं, जी दोज हु फाइट अगेंस्ट अल्लाह एंड हिज मैसेंजर एंड रन अराउंड ट्राइंग टू स्प्रेड डिसऑर्डर इन द लैंड, दे शुड बी पनिश्ड, जी they should be killed or जी crucified or their hands and feet be cut from the opposite side. जी अच्छा, ये जो fight का word है ना, इसका इसके लिए अरबिक में आ रहा है युहारिबून। युहारिबूना युहारिबून जो है वो एक जेनेरिक वर्ड होता है, ये कताल नहीं हो रहा। कताल होता है लड़ाई जो तलवार से हो रही है, जिसका एंड रिजल्ट होता है एक दूसरे में से एक मर जाए। ये हर्ब नहीं है, हर्ब वो है जो कि मैदाने जंग के ऊपर जंग हो रही है दो फौजों के दरमियान, उसे कहते हैं हर्ब। ना तो यहाँ पे किताल है ना यहाँ पे हर्ब है, यहाँ पे है युहारिबून।
जोहारी बूंद का जो लफ्ज है ना, वो एक जेनेरिक टर्मिनोलॉजी में आता है, इंसल्ट करना, उनके खिलाफ बोलना, जी उनके उनके बताए हुए रास्तों के ऊपर ना चलना। जी ये कुरान की आयत से साबित होता है कि एक्ट ऑफ पाकिस्तान 285 295 100% शरा के अंदर है। और मैंने आपको बता दिया कि तमाम अर्ली उलमा और आपके मुहद्दिसीन और शरा बनाने वाले 100% इन कवानीन से एग्री करते हैं। तो आपने पाकिस्तान के कवानीन को गलत कह के कह दिया, ये तो यहूदियों से भी बदतर है। जी सर, मैं बताता हूँ मैं किसको बोला। देखिए, रिसेंटली कोई एक मर्डर हुआ था, पता नहीं वो मुसलमान का था या किसी का था, मैं ज़्यादा पाकिस्तान का उसके न्यूज़ देखता नहीं सर। एक न्यूज़ वायरल हुई थी कि किसी श्रीलंका, एक, नहीं पाकिस्तान का है, नहीं, पाकिस्तान का है। श्रीलंका का बंदा था जिसको उन्होंने अच्छा, पकड़ हाँ, के ड्रैग किया जी सड़कों के जी ऊपर जला और दिया फिर था। जिंदा को आग जी लगा दी। जी जी हाँ, ये तो देखिए सर, ये क्या है मालूम, ये मैं सपोर्ट करता हूँ, दहशतगर्दी है ये लोग जो काम कर रहे हैं। क्योंकि क्या है मालूम सर, देखिए जैसा अब अल्लाह फरमा रही, हुजूर साहब की एक हदीस भी है, सिर्फ आग की पनिशमेंट अल्लाह दे सकता। अब ये लोग जो कुरान हदीस पढ़े हुए नहीं है, ये जो अपने बाबाओं को फॉलो करते हैं ना सर, अपने बुजुर्गों को ले ले कर लेके, तो ये लोग का क्या है मालूम सर, अपनी खुद की जात पर ये लोग जो दीन का चेहरा बताए, हम उससे एग्री नहीं करते सर। क्योंकि हम अब जब कुरान का देखिए, 1000 साल पहले तक भी, 1400 साल पहले तक भी कुरान का तर्जुमा नहीं हुआ, अभी अभी कुरान और हदीस का तर्जुमा आया, तब लोगों ने पढ़ा और समझ गए। और सर देखिए, ऐसा नहीं है कि हर मुसलमान कोई निकल के जाकर किसी को कत्ल कर दे रहा। हम भी यहाँ पर बैठे हैं सर, हम कनाडा में बैठे हैं, हम भी इंडिया में बैठे रहते थे। हिंदुओं कोई है जो आज भी हुजूर साहब की जात पर इतनी बकवास करते, क्या कोई निकल के कत्ल कर दे रहा सर? ओके, अब मैं आपको बताता हूँ सर, ये आपके सामने हदीस है जिसका आपने रेफरेंस दिया। जी वो जो जिसको जिंदा जलाया जलवाया, वो किसने जलाया जी बताओ आपको? हजरत अली रजी अल्लाह शायद। हाँ जी, ये स्क्रीन पे आपके सामने है। जी हजरत अली ने कुछ लोगों को जिंदा जला दिया जी हजरत, अच्छा फिर उसके बाद हजरत इब्ने अब्बास ने हजरत अली को कहा, जी आपने इनको जिंदा क्यों जला दिया? जी मैं तो इनको कत्ल कर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि जी मोहम्मद साहब ने कहा है कि जो भी इस्लाम से फिर जाए उसको कत्ल कर दो, जी तो आप कत्ल कर देते, जिंदा ना जलाते। जी लेकिन अगर कुछ मुसलमानों ने एक शख्स को इसी तरह मार मार के मार दिया और जिंदा जला दिया, जी उसने कोई गलत काम तो नहीं किया? उसने उतना ही गलत काम किया जितना हजरत अली ने किया। जी और अगर हजरत अली जो है वो जी जहन्नम में जाएंगे तो वो मुसलमान भी जहन्नम में जाएंगे, हजरत अली जन्नत में जाएंगे तो वो मुसलमान भी जन्नत में जाएंगे इस काम की वजह से। नहीं सर, देखिए अब ये क्या बात हो गई मालूम, क्या कि बात हो गई? अब मैं बताता हूँ आपको। अब जैसा अल्लाह का फरमान है, गलती से अगर कोई काम हो जा रहा जो ना जाने कर रहे हैं, तो अल्लाह बेशक माफ करने वाला है। अगर कोई जानबूझकर कर रहा, तो फिर उसका तो सवाल होगा ना सर। ओके, हजरत अली करम अल्लाह वजह जो है जी उनको दीन का दरवाजा कहा गया, जी दीन का दरवाजा क्या आ गया? ठीक है? और आप मुझे ये कह रहे हैं कि जो दीन का दरवाजा है कि हजरत मोहम्मद ने कहा जी कि अगर किसी ने मेरे शहर में आना है तो उसका जी दरवाजा अली है, जी तुम अगर अली को ही फॉलो करना शुरू कर दो तो मेरे तक पहुंच जाओगे, जी ऐसा ही है। जी ऐसा शख्स, ऐसा जलीलुल कदर सुहाबी जी जो के मोहम्मद साहब की आल में से है, सेम जी खून है ना, एक जी ही खानदान के है ना, जी चचे के बेटे हैं ना, जी ठीक है? आपके पास इस वक्त जितने भी सैयद जादे हैं वो अली साहब की नस्ल में से ही आते हैं ना, मोहम्मद साहब का तो अपना मर्द बेटा कोई नहीं था। जी मैं उनके बारे में बात कर रहा हूँ, आप मुझे ये कह रहे हैं कि उन्होंने ये काम गलती से किया जी और उन्होंने इस काम की माफी किसी भी हदीस में नहीं मांगी? नहीं, इसमें है सर, मैं आपको ये भी बताता हूँ। उन्होंने बोला कि मेरे को नहीं मालूम था और मैं कर दिया। ये देखें सर, सही बुखारी के अंदर ऐसा नहीं लिखा हुआ, ये देखें सर, सही बुखारी के अंदर ऐसा नहीं लिखा हुआ। मैं इसको अंग्रेजी में कर देता हूँ, ये देखें सर, इंग्लिश में करते हैं। Were brought to Ali and burned them. The news of this reached Ibn Abbas. If I had been in his place, अगर मैं इनकी जगह होता, इबन अब्बास ने भी अली को ये नहीं कहा, अली तुमने गलत किया, ऐसा ना करते। इबन अब्बास जो हैं, वो अली से निचले दर्जे पे हैं, करेक्ट? उन्होंने उनको क्या कहा है? अगर मैं इनकी जगह होता, अली को भी नहीं कहा, लोगों को कह रहे हैं, वो अपना ओपिनियन दे रहे हैं, इबन अब्बास ओपिनियन दे रहे हैं, आई वुड नॉट हैव बर्न देम एज अल्लाह मैसेंजर फॉर
forbade it saying do not punish anybody with Allah's punishment which is fire. Jee. I would have killed them according to the statement of Allah messenger whoever Jee. changes Islamic religion and kill him. Jee. Now Ibn Abbas ne Ali sahab ke samne ja ke debate nahi ki. Jee. unko bola nahi ki aap galat hain. Jee. بلکہ انہوں نے اپنے ارد گرد والے لوگوں کو بتایا ہے. That's it. جی. تو یہاں پہ کہاں پہ آپ کے مطابق اس کی ریکنسیلیشن ہوئی ہے؟ اور یہ چیز, یہ حدیث پتہ کدھر لکھی ہوئی ہے؟ جی. میں آپ کو بتاؤں, یہ دیکھیں, یہ حدیث لکھی ہوئی ہے اس جگہ پہ. جی. اس کے ریفرنس میں, کس کے ریفرنس میں؟ دی کرائم اینڈ قصاص کے ریفرنس میں. جی. کہ ابن عباس نریٹ کرتے ہیں جی. کہ ایک اندھا شخص تھا جس کے پاس ایک پریگننٹ یعنی کہ حاملہ سلیو گرل تھی جو کہ محمد صاحب کو ابیوز کرتی رہتی تھی, ڈیفیم کرتی رہتی تھی, ان کے بارے میں بری بری باتیں بولتی تھی. جی. ایک دن بلائنڈ بندے نے, اندھے بندے نے اس کو منع کیا, وہ نہیں مانی. ٹھیک ہے, تو اس نے ایک چھڑی پکڑی اور اس عورت کے پیٹ میں گھسا دی جس کے اندر اس کا بچہ بھی ہے. جی. یہ بات جب محمد صاحب کے پاس لائی گئی تو محمد صاحب نے کہا کوئی دھیا نہیں ہے اس کے اوپر, یعنی کہ کوئی قصاص نہیں ہے, کوئی بلڈ منی نہیں ہے اس اندھے بندے کے اوپر, کیونکہ اس نے جو کیا وہ میری حرمت کے لیے کیا. تو آپ کا جو دین ہے نا وہ کینیڈا کے اندر وہ ڈفرنٹ ہے. ٹھیک ہے, کینیڈا کے اندر ویسٹرن جو ایریاز ہیں وہاں پہ آپ کا دین ہے مکی دین. جی. جہاں پہ ابھی محمد صاحب کے پاس طاقت نہیں تھی اور آپ کو وہی پڑھایا جا رہا ہے آپ کے سکولرز کے تھرو. مدنی دین میں جب آؤ گے, جب آپ طاقت میں آؤ گے, جب آپ پاکستان جاؤ گے, افغانستان جاؤ گے, ایران جاؤ گے, قطر جاؤ گے, ایجپٹ جاؤ گے, سعودی عربیہ, تو وہاں پہ آپ کو پتہ لگے گا سر کہ مدنی دین کیا ہوتا ہے. تو انڈیا اینڈ کینیڈا یہ دونوں جگہوں پہ آپ مکی دین میں بیٹھے ہوئے کیونکہ آپ لوگوں کی طاقت کم ہے. اچھا دیکھیے سر, میں آپ کو بتاتا ہوں اس میں جو 13 سال کا یہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دور ہے, مکی دور, اس میں سر کیا کیا نہیں ہوا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ؟ ہیلو. جی جی, کیا کہہ رہے ہیں سر؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جو مکی دور ہے سر, اس میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر جو 13 سال کے جو ظلم ہوئے وہ کیا کیا نہیں ہوئے وہ ذرا بتائیں گے؟ بہت ڈھیر سارے ظلم ہوئے, بہت ڈھیر سارے ظلم ہوئے. 13 سال کیا ظلم ہوئے؟ جی 13 سال. محمد صاحب کو, محمد صاحب کو کسی نے چپیڑ ماری تھی؟ جی. محمد صاحب کو کسی نے آ کے گھر میں تھپڑ مارے تھے؟ گھر کی بات چھوڑو, 13 سال میں پتھر مارے ہیں سر, پتھر پیروں پر زخمی کر. نہیں, وہ پتھر وہاں پہ نہیں مارے, پتھر جب انہوں نے مائگریشن کی تھی طائف کی طرف وہاں ماری. میں مکہ کی بات کر رہا ہوں, مکہ میں جب وہ موجود تھے کیا ان کو کسی نے آ کے تھپڑ مارے؟ سر طائف گئے نا, کسی اور کنٹری میں گئے ہیں, وہاں پہ کیوں گئے ہیں؟ مکہ میں تھے نا, سکون سے تھے. ہم پوچھ رہے ہیں مکہ میں ان کو کسی نے تھپڑ مارے, چپیڑے ماری, مکے مارے, کنک ٹھڈے مارے, ڈنڈے مارے, کچھ ایسا ہوا؟ سر ان کا بوائیکاٹ کیا گیا؟ بوائیکاٹ پہ آتے ہیں, بوائیکاٹ پہ آتے ہیں, پہلے اس کا جواب دیں, یہ اس میں سے کچھ ہوا آیا نا؟ میری نظر میں تو یہ نہیں ہے سر. تھینک یو سو ویری مچ, نہیں ہوا. اوکے, سو اس 13 سالوں میں آخری 2 سال کے قریب ان کے ساتھ بوائیکاٹ کیا گیا. جی. وہ بوائیکاٹ کس بنا پہ کیا گیا؟ دین نہ پھیلائیں. دین نہ پھیلائیں نہیں, ذرا دیکھیں کہ وہ کس بات پہ کیا گیا. اس میں بھی اس وجہ سے کیا گیا کہ آپ صاحب جو ہیں وہ لوگوں کو اپنا کیا تھا یار, وہ لوگوں کو اس علاقے کے لوگوں کو مشرکین مکہ کے خدا کو, ہاں ان کے خداؤں کو برا بلا کہتے ہیں کہ یہ غلط ہے, ان کے خداؤں کے ساتھ برا بلا کہتے ہیں. انہوں نے کہا تھا یار تم اپنے دین میں رہو, ہمیں کوئی مسئلہ نہیں ہے, ہمارے خداؤں کے ساتھ کھلوار مت کرو. جی ٹھیک ہے, اتنی سی بات کی تھی انہوں نے. محمد صاحب نہیں مانے, انہوں نے بائیکاٹ کر دیا. اب محمد صاحب کے ساتھ بائیکاٹ ہو گیا, کتنے شرافت سے انہوں نے یہ کام کیا. اب محمد صاحب چلے گئے مدینہ ہجرت کر کے. ٹھیک ہے, ہجرت کرنے کے بعد محمد صاحب نے کیا کیا, ان کے پاس جب ڈیفینسو سورڈ کی ورسز آئیں تو محمد صاحب نے کیا کیا, انہوں نے اٹیک کرنے شروع کر دیے. کتنے کاروانز کے اوپر اٹیک کیے تھے بدر سے پہلے آپ کو پتا سر؟ اٹیک کیوں کیے تھے سر؟
सर कैरावान के ऊपर कितने अटैक किए थे बदर से पहले, ये पता? वो मालूम है सर, ये लोग मदीने में भी आकर इनके सहाबा को तुम कर रहे थे, इनके चीजें चुरा रहे थे, तो क्या करेंगे सर फिर? ओके ओके ओके, एक रेफरेंस दे मुझे जी, जहां पे वो जो कारावान वाले हैं जी वो मदीना में आके इनके सुहाबा को तंग कर रहे थे, एक रेफरेंस, ज्यादा नहीं। अभी के लिए रुके सर, मैं थोड़ा देख लेता हूं। दीजिएगा तब तक आप बात कंटिन्यू करें, मैं ढूंढ लेता हूं। आप ढूंढ लेंगे, मैं बात कंटिन्यू कैसे करूं जब आप ढूंढ रहे हैं रेफरेंस, मेरी बात नहीं सुन रहे? नहीं सर, फिर टाइम लगेगा, बीच में बात रुक जाएंगी ना, तो हिसाब से मैं आपको बताता हूं सर, आप गूगल करने की कोशिश करेंगे आपको नहीं मिलेगा। नहीं, हदीस में जा रहा हूं सर, गूगल नहीं, हदीस देख रहा हूं। ओके, हदीस देखें जी, हदीस में रेफरेंस नहीं है जी कि वो कारावान जो है वो वहां पे आके उनको तंग करते थे जी बदर से पहले। ठीक है, ओके, आखिरी जो बदर हुई वो कौन से कारावान के लूटने के ऊपर हुई? मेरे को नाम याद नहीं है सर उसका, क्या नाम है? अबू सुफियान रजी अल्लाह, शायद कुछ नहीं, सुफियान के तो काफले थे ना जी, वो तो काफले अक्सर ही सुफियान के थे क्योंकि बहुत बड़ा वो काफलों वाला बंदा था जी। लेकिन जब आपका जो आखिरी हुआ था काफला जो लूटा गया था, वो लूटा गया था बवाद के मकाम के ऊपर, राइट जी, के वदान के मकाम पे, वदान, वदान के बाद बदर हुई थी या बवाद के बाद बदर हुई थी? पता नहीं सर, दोनों में से क्या है, चलो एनी ऑफ द टू, ठीक है। उसके अंदर क्या किया आपने कि वहां से उनके आपने औरतों को और मर्दों को गुलाम बना के ले आए और कुछ को वहां पे कत्ल कर दिया जी, और काफले वालों को पता भी नहीं था कि ये लोग हमें मारने के लिए आए हैं। अच्छा, ठीक है, छुप के वार किया जब काफले वाले सो रहे थे और उनके ऊपर तीरों की बारिश कर दी, ऐसे ही लिखा हुआ है ना? ये कहाँ लिखा हुआ है सर? सर ये सीरत के अंदर लिखा हुआ है, तिबरी, तिबरी लाइफ ऑफ मोहम्मद बाय तिबरी एंड सीरतुन नबी बाय इब्ने इसहाक के अंदर लिखा हुआ है। सर, मेरे प्यारे भाई, आप नहीं, मैं वंस अगेन बोल रहा हूँ, आप नहीं मानते उससे हमें परवाह नहीं, जो आपके स्कॉलर्स हैं वो इन्हीं चीजों को रिपीट टेलीकास्ट में चलाते हैं और वो मानते हैं। आप अगर कनाडा में रह के मदनी के ऊपर बैठे हुए हैं और इन चीजों के लिए आंखें बंद की हुई हैं सर, सीरियसली स्पीकिंग मुझे परवाह नहीं है इस चीज से। मैं बात करता हूँ इसलिए कि लोगों को पता लगे कि कल को आप जैसे ही मुसलमानों के बच्चे जब कनाडा में होंगे और वो अब ज्यादा तादाद में हो जाएंगे जी, तो ये जो इस्लाम, मक्की इस्लाम, ये आप लोग इस वक्त फैला रहे हैं, कल को वो खत्म हो जाएगा, क्योंकि कुरान कहता है जो आपकी स्क्रीन पे लिखा हुआ है जी, कि ऐ मुसलमानों ढीले ना पड़ो और सुलह सलामती की दावत मत दो जी, जब तुम लोग अपर मोस्ट हो गए हुए हो, जब तुम गालबत में आ गए, जब तुम लोगों की तादाद भर गई हुई है, दुनिया की कोई सी तफसीर खोल लें इस आयत के लिए, ठीक हो गया? तो कुरान इस चीज को कहता है कि जनाब आप जब अपर मोस्ट हो जाओ तो अब आप की सुलह सफाई ना करो, और कुरान ये कहता है साथ में कि मुझे पता है कि जिहाद, कत्लो कताल और जिहाद तुम्हें अच्छा नहीं लगता, लेकिन तुम नहीं जानते जो चीज तुम्हें बुरी लगती है वो शायद अल्लाह ने तुम्हारे लिए बेहतर बना दी हुई है। कुरान को पढ़ने और समझने का तरीका ये है कि कुरान को जिस तरीके से लिखा गया उस तरीके से मत पढ़ा जाए, बल्कि जिस तरीके से नाजल हुआ उस तरीके से पढ़ा जाए, अगर आपने कुरान की अंडरस्टैंडिंग करनी है जी। रेवलेशन ऑर्डर में सूरा नंबर 5 के बाद सूरत नंबर 9 आई है, और आखिरी ये दो सूरतें हैं, 5 और 9, ये आखिरी दो रिवील्ड सूरतें हैं, उनको पढ़ें, आपको कत्लो कताल समझ आना शुरू हो जाएगा इस्लाम का जी।